इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जयपुर से हैं रुक्मणी जी, स्वागत है आपका। हाँ, मैं जयपुर से बोल रही हूँ, मेरी 65 एज है और मेरे ना दर्द रहता है कमर में। कब से दर्द है ये? ये डेढ़ साल दो साल हो जाएंगे अभी जी। अच्छा रुक्मणी जी, देखिए ये दर्द और डेढ़ दो साल हो गए, क्या दवा आपने नहीं ली होगी? एक तो ये इलाज है, आप दवाओं के नाम भी आपको याद हो जाते हैं कि दर्द हो तो ये दवा खा लो। हर पढ़ा लिखा आदमी दर्द की दवाओं के बारे में जानता है, लेकिन कब तक खाओ? ये फिर दर्द की दवाएं भी नुकसान देने लगती हैं। अगर 15 दिन से ज़्यादा लगातार इस्तेमाल की जाएँ तो इनके नुकसानदेह असरात हमारी बॉडी को होते हैं और फिर दूसरी बीमारियां भी शुरू हो सकती हैं। और एक इलाज मैं जानता हूं जो आपको शेयर करता हूं। देखिए ये इलाज, एक तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यानी कच्ची दवा। तो देखिए ये ले लीजिए आप अपने किचन से धनिया, इसका खूब बारीक पाउडर बना लें, यानी मिलावट का ना हो, आपको भरोसे का होना चाहिए। और एक आता है गौंसिया, ये मेरे अनुभव में दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है, जिससे मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, पता नहीं आप पहले से जुड़ी हैं या नहीं, उनको फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी ये परेशानी आने लगी कि ये भी नकली मिलने लगा। तो असली दवाएं अगर आप हासिल करें, जो भी मैं बताऊं, धनिया भी भरोसे का हो और गौंद स्याह, स्याह मतलब काला या काला गौंद कह लीजिए, ये सिर्फ 100 ग्राम ख़रीद लें असली। ये अगर असली मिल गया तो 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है, और आधा ग्राम सुबह, ये रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद एक चम्मच धनिया के साथ और आधा ग्राम शाम को एक चम्मच धनिया के साथ। ये मेरा अनुभव है कि ये ख़त्म नहीं हो पाता नुस्खा और मरीज़ को फ़ायदा होना मुमकिन है। मेरे कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं मैडम जी? हम अच्छे हैं, आप बताएं। आप तो बढ़िया है। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद कर्नल साहब, वेलकम। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ही हूँ, आप बताएं। बस दुआ में याद रखना हमें भी। दो सवाल है हमारे जी इरशाद। एक तो पहला सवाल ये है कि वो गैंग्रीन का जो मरीज है, उसका प्लास्टिक सर्जरी मतलब सब हो गई है, ड्रेसिंग चल रही है, थोड़ा पस भी आता है और ड्रेसिंग भी चलती रहती है, तो जल्दी सूख जाए जख्म, उसके लिए बताएं आप। और दूसरा एक चीज जो है कि जो इमली के बीज होते हैं, जिसको हमारे एमपी में चीये बोलते हैं, काले काले जो होते हैं जी जी, तो ये क्या दर्द में ये भी फायदा करता है? तो क्या आपने बताया था कि उसको भून के छिलके निकाल के पीस के गोंद चिया के साथ में खाएं, तो छिलके निकालने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि उनको भिगो दिया जाए तो छिलके निकल जाते हैं, फिर भिगो के छिलके निकाल के फिर सुखा के फिर भून के पर पाउडर बनाए, तो ये ज्यादा फायदा देगा या छिलके साइज भून के पाउडर बनाए? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये इतना सख्त जान होता है इमली का बीज, इसे हम तमर हिंदी कहते हैं, तमर हिंदी इमली का बीज आम जबान में कहते हैं, कि ये भिगोने के बाद इसका छिलका बड़ा मुश्किल से उतरता है, और इसको अगर भून लिया जाए तो फिर अगर धीरे धीरे मारा जाए इस पर तो छिलका अलग हो जाता है। आसान तरीका मेरी नज़र में ये है। अच्छा, बला का ताकतवर है और सस्ता भी बहुत होता है, इसे कोई नहीं पूछता, और इसको आप ले सकते हैं। और वही, इसका 2 ग्राम खुराक होनी चाहिए, इसके पाउडर की 2 ग्राम खुराक और आधा ग्राम गौंसिया, तो और भी तेज़ काम करता है ये। आपने सही जगह समझे आप, और आप हर बात याद रखते हैं, तो ये अच्छी ताकतवर चीज़ है।
ये उनको जो महिलाओं को जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसके काम में भी आती हैं, उसके लिए इसबगोल की भूसी के साथ हम वजन खाते हैं और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है, लेकिन क्योंकि ये सस्ता इतना आता है तो लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और अगर इसको अहमियत दी जाए तो ये भी कई रोगों में काम करता है। और सुखाने के लिए उनका जो मर्ज के बारे में आपने कहा, गौंद चिलगोजा आधा ग्राम रोज़ाना उनको दें, असली वाला तो उनको उम्मीद है कि जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं आशा देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ आशा जी बताइए। जी मेरी मम्मी को ना जिनाह हो गया है। क्या हो गया है? जिनाह हो गया है, पहले छोटे छोटे से फुंसी जैसा होता है, फिर पूरे पेट में फैल जा रहा है, बहुत खजलाता है। जी पूरी बॉडी पर है क्या? फेस में हो गया है। फेस में, अच्छा कोई बात नहीं। मम्मी की एज बता दीजिए, मम्मी सुन रही है मुझे आवाज आ रही है। 40 साल है। तो देखिए एक आसान इलाज है, जिनको भी बच्चियों को हो या बड़ों को हो, वहाँ से दाने फुंसी ऐसी निकलती हैं, तो बड़ा आसान इलाज है। ये जो अलसी आती है, अलसी इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, और एक आता है सफ़ेद गौंद मोरिंगा, असली वाला लें, नकली बहुत मिलता है, तो एक ग्राम सफ़ेद गौंद मोरिंगा और 2 ग्राम अलसी रोज़ाना पानी से, नारियल पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से देना शुरू करें, कुछ दिन देने से उनको फायदा होना मुमकिन है। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। जय हिंद आदाब। वीर जी मेरे दो सवाल ने। एक मेरा भाई है, उसको ना यूरिक एसिड भी है और छिक्के बहुत लगते हैं, छिक्का छींके खांसी जुखाम। और दूसरा सवाल है, एक और यहाँ पर उनकी उम्र 63 वर्ष है और उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है और सांस की भी, वो स्टिमुलस कैप्सूल सुनते हैं और साथ में उनको घुटनों की प्रॉब्लम है और उनके घुटने ना बिल्कुल मुड़ते नहीं है। दोनों की उम्र बताइए। जेड भी घुटने मुड़ते नहीं है उसकी तो 63 है और दूसरे की। जी देखिए एक एक इलाज करके कर लें इनको। सबसे पहले अगर इनको देखिए दो चीज़ें होती हैं सांस की प्रॉब्लम में, सांस फूलता या तो दिल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज की वजह से, या फिर खांसी नज़ला बलगम की वजह से। अगर खांसी नज़ला बलगम है तो उनके लिए सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम और पीप लें, किचन में से लें 30 ग्राम, इनको पाउडर बना के दें। अगर सर्द मिजाजी की वजह से, यानी ठंडे परिवर्तन, ठंड का है खून में, सर्दी है उनको, तो इन्हें ठंडा मिजाज का आदमी कहते हैं, तो ये आपको देखना किस वजह से फूल रहा है। खांसी नज़ला बलगम रहता है तो फेफड़े की वजह है, और अगर ये नहीं रहता तो दिल की वजह है। अगर दिल की वजह है तो वो जैतून का सिरका 1 लीटर और लहसुन, अदरक और लीमू का रस 1-1 लीटर मिक्स करके 3 टाइम 3-3 चम्मच खाने के बाद देना होगा, तो इनको हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए और डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा मुमकिन है और सांस फूलने के लिए इनको फ़ायदा हो सकता है। और जिन भाई को नज़ला खांसी बलगम है उनको तो मैं नुस्खा बता ही चुका हूँ, वही देना है जो सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम और पीपलें 3
30 ग्राम इनको पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह निहार में और रात को सोते वक्त गर्म पानी से देना है और खट्टी चीज़ों का परहेज करना है। और दर्द का इलाज करना चाहते हैं 65 साल मरीज़ का, तो फिर गौंसिया आधा आधा ग्राम दो बार खाने के बाद असली वाला लेकर आप उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। हरियाणा से हैं केलावती जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आदाब, जय हिंद सर। मैं टीके कैप्सूल और ये काला गूंद ले रही हूँ 3-4 महीने से। तो सर मेरा टीके कैप्सूल से तो बिल्कुल ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं रही? पोटी पाटी भी टाइम टाइम लगी ना, पेट दर्द रहता ना, गैस रहती है जी। लेकिन हाँ जी, गूंद से मेरे 50% आराम है सर। अब ऐसा हो गया सर कि बीपी हाई होने लग गया, जी घबराने लग गया। क्या इसिया गूंद से जी घबराता है या पीकेर कैप्सूल से? ठीक। हाँ सर, एक क्वेश्चन और है, क्या मैं पीकेर कैप्सूल ले सकती हूँ इस खतर दर्द के लिए गूंद छोड़ के? ठीक है, ठीक है, हाँ जरूर ले सकती हैं। आपको ना बहुत ज़्यादा भावुक है आपका जो मिजाज है, तो आप एक ही टाइम लिया करें। क्या टी केयर कैप्सूल आप ले सकते हैं, पी केयर से घबराहट नहीं होती, इससे तो आपको पेट अच्छा होता है और घबराहट दूर होती है। तो पी केयर भी ले सकते हैं, साथ में टी केयर भी ले सकते हैं। लेकिन टी केयर लें तो गौंद सिया छोड़ दें, ये दोनों एक साथ लेना मना है। और अगर आप हेल्दी हैं और कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, तो उसको ज़रूर कम करें। देखिए 40 साल के बाद हम सब लोग, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जब उस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल हमें दिल के आसपास चर्बी जमा देता है और दिल की रगों में भी चर्बी जमने लगती है, जिससे हमारा बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घबराहट होती है। तो इसके लिए भी कोई नुस्खा लेना शायद आपके लिए ज़रूरी है। चलिए अगले कॉलर हैं यूपी से, संजू स्वागत है आपका। जी मैम, हाँ जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी मैं सुन पा रहा हूँ, फरमाएं क्या सवाल है? सवाल ये है हकीम जी, मेरे ये दिल की तरफ घूमता हुआ दर्द, घूमता हुआ कभी ऊपर कभी साइड में कभी नीचे कभी हो जाएगा। मेरे साहब बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, बड़ा बड़ा मतलब आज अच्छा महसूस हो रहा है कि आपसे बात हो पा रही है, यानी बात ही नहीं हो पाती है सर जी। जी अच्छा, और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं? उम्र बता दीजिए अपनी। उम्र मेरी 50 साल है साहब। ये घूमता हुआ दर्द है मेरे पास, मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने गैस वगैरह बताई है, उससे मुझे आराम हो जाता है। मैं कोई ऐसा देसी नुस्खा चाहता हूँ साहब जो मुझे आराम हो जाए, जो दवाइयां नहीं खानी पड़े। ठीक है जी। दिल की तरफ दर्द होता है घूमता हुआ, सुबह कभी ऊपर हो जाएगा कभी साइड में हो जाएगा कभी बगल की तरफ हो जाएगा, ये परेशानी है आदमी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात हो गई, हमें बात हो नहीं पाती सबसे, एक प्रोग्राम 25-30 लोगों से बात कर पाता हूँ तो शिकायत रह जाती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे इसलिए। और दिन में 5-6 प्रोग्राम करता हूँ तो 100-150 लोगों से बात हो पाती है, और ये हमारी कमी नहीं मजबूरी है। अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा नुस्खा है, आपके किचन में है, ये जो धनिया है ना, इसको खूब बारीक पाउडर, भरोसे का मतलब मिलावट का ना हो, मिलावट का होगा तो काम अच्छा नहीं करता। धनिया का पाउडर बना लें और इसको 200-300 ग्राम बना लें अपने लिए अलग, वैसे तो सबके किचन में धनिया होता ही है। और एक आता है नमक जैतून, अच्छा नमक जैतून एक नमक जैसा दिखने वाला रसायन है जो नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है, नमकीन नहीं होता ये बिल्कुल भी। और एक चम्मच धनिया सुबह नाश्ते से पहले ही ले लिया करें, और एक या दो चुटकी नमक जैतून इसमें मिला के, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 चुटकी, नहीं तो 1 चुटकी काफ़ी है, चुटकी से कहता हूँ मैं। ये आप दिन में 1 बार या 2 बार ले लिए करिए, सुबह शाम, खाने से पहले लेना बेहतर है, आधा घंटा पहले लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये आपके पेट के पूरे सिस्टम को सुधारता है,
एसिडिटी होगी तो उस पर कब्जा करेगा कि अब मत हो, और मैदे में कुछ गिरानी है तो उस पर एसिड अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको संतुलित करता है। और ये फुजलात को, जो लैटिन है, इसको आगे धकेलता है, और लीवर को बड़ा अच्छा रखता है, किडनी को बहुत अच्छा रखता है। किडनी में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ती है, लीवर अक्सर इम्प्रेस हो जाता है, और गैस, कब्ज़, एसिडिटी, बवासीर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नुस्खा है, और ये नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, और वो लोग, उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए जो हमेशा कोई ना कोई दवा खाते हैं, रोज़ जिन्हें दवा खाना पड़ता है, दवा खाना जिनकी मजबूरी है, दवा खाना जिनकी ज़िंदगी है। क्योंकि ये जो दवाओं के नुकसानात, जो हम तेज़ दवाएं खाते हैं, उनके नुकसानात को, चाहे बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे कोई भी दवा हो, जब भी हम 10-15 दिन से ज़्यादा खाते हैं, फिर उसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं, ये उन नुकसानात को रोकने की ताकत रखता है।